हाय गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे चैनल स्टार ट्रेक एक्टिंग स्कूल को बहुत पसंद कर रहे हैं और स्लोली बट श्योरली हम लोग एवरीडे बढ़ रहे हैं। आज लगभग 34,100 लोगों की स्टार ट्रेक एक्टिंग स्कूल की फैमिली हो चुकी है और इसके साथ साथ आज मेरे एक्टिंग स्कूल को 12 साल कम्प्लीट हो चुके हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ अपनी एक्टिंग की जर्नी शेयर करूं। और कीप लाइकिंग मी, कीप लविंग मी गाइस, आपका प्यार मिलता रहेगा, वो हमें बहुत मोटिवेट करता है और अच्छे व्लॉग्स बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी आपकी कि आपने मकान किराया देने से पहले हमें कुछ सब कुछ सच सच बता दिया और हमने ये फैसला किया है कि हमने आपका ये मकान। नमस्कार संगीता देवी, मैं बोल रहा हूं आपका भास्कर। कैलाश भास्कर। यहां फिर से फोन क्यों किया तूने? फिर से रुपया चाहिए। कितना? फिलहाल 10 लाख। और आप जानती हैं कि आपको रुपए कहां लाना है? ये तुम लोग पुलिस से क्यों भागे? गलत फहमी, हम लोग कोई चोर नहीं है। साला सब चोर यही बोलते हैं। जस्टिस प्रधान, विश्वजीत प्रधान ही सिद्धार्थ का कातिल है। इन्होंने मेरे सामने ही सिद्धार्थ को गोली मारकर उसको खत्म कर दिया और मैंने पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं अंकल का नाम नहीं बता सका। आप सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और अब मैं सोचता हूं कि काका श्री विभीषण ने आपकी शरण में आके कोई भूल नहीं। रहस्त, मैं तुमसे प्रभावित हूं। राक्षस कुल में तुम वो दूसरे व्यक्ति हो जिसने अन्याय का पक्ष नहीं लिया। सत्य है, किंतु मैं आपके साथ भी संधि नहीं करूंगा। कैसे दोगले समाज में जी रहे हैं हम, जहां एक तरफ वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब इन्हीं बेटियों के साथ कोई बलात्कार करता है तो उन्हें हम सिर्फ उम्र कैद की सजा देकर छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा नहीं दे सकते तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे दरिंदों का पुरुषोत्तम तो भंग करके माथे पर लिख देना चाहिए बलात्कारी और छोड़ देना चाहिए समाज में, ताकि दोबारा कोई ऐसा करने की जरूरत ना करे। तभी हमारे समाज की बहु बेटियां सुरक्षित जी सकती हैं, जिसकी हम सिर्फ बात करते हैं जज साहब।